किचन से बबीता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सुंदर सी टिंडे की बर्फी, जो आपने कभी नहीं खाई होगी। और देखिए कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी है बर्फी ये देखने में। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी है और बाजार से भी अच्छी है। उसमें बिल्कुल भी टिंडे का टेस्ट नहीं आता और बहुत ही हेल्दी आती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये आप सभी को बना के खानी चाहिए। आइए आज इसकी इसको बनाने की रेसिपी जान लेते हैं। आइए चलते हैं इसके लिए, देखते हैं हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। हमने टिंडे लिए हैं, 6 टिंडे लिए हैं हमने, और हमने 250 ग्राम चीनी ली है, 1 गिलास दूध लिया है, देसी घी लिया 2 चम्मच, नारियल का बुरादा लिया है, और हमने किशमिश, पिस्ता, काजू और हरी इलायची ली है, और कलर लिया है 1 येलो और 1 ग्रीन, और कुछ हमने चांदी के वो रख लिए हैं अपनी बर्फी को सजाने के लिए। आइए बनाना शुरू करते हैं बर्फी टिंडे। सबसे पहले हम फ्रेंड टिंडे लेंगे, इस तरह से अपने टिंडे को छील लेंगे और इसके अंदर के जितने भी बीज है सब निकाल लेंगे और इसे ग्रेटर से कद्दूकस कर देंगे हम सभी टिंडों को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कद्दूकस कर लिया अपने टिंडों को, अंदर से हमने बीज निकाल लिए, इसमें एक भी बीज नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें कढ़ाई रखनी है, हमें 5 मिनट तक अपने टिंडे को इसी तरह से पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टिंडे थोड़े मुलायम हो गए हैं, पक गए हैं। अब इसमें मिल्क डाल देंगे, करीब 300 ग्राम मिल्क है। अगर आपके पास मलाई है तो मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे हमें अच्छी तरह पकाना है, थोड़ी आंच को मीडियम कर देना है, हमें इसका दूध बिल्कुल सुखा देना है और आंच को हमें ज्यादा तेज नहीं रखनी, मीडियम रखनी है, ताकि हमारे टिंडो के अंदर अच्छी तरह टेस्ट चला जाए और अंदर तक पक जाए वो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध पक गया, सूख गया, इसमें थोड़ा सा रह गया, हमें 10 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। अब हमें चीनी डालनी है इसमें, चीनी आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, जैसे आपको मीठा पसंद हो, तेज या कम, हम मीडियम मीठा डाल रहे हैं। नारियल का बुरादा डालेंगे इसमें, इससे हमारी बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इसे भी हमें बिल्कुल ड्राई होने तक सुखाना है, ड्राई होने तक चलाते रहना है। अब इसमें हम थोड़ा मेवे डाल देंगे, इसमें काजू बादाम पिस्ता, आप इसमें जो मेवे डालना चाहे वो डाल सकते हैं। अब इसे बिल्कुल हमें ड्राई होने तक चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छी तरह से भुन गया है ये। इसमें बिल्कुल घी ऊपर आ गया है और जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसमें हम अपना कलर ऐड करेंगे, आंच को धीमा कर देंगे और इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। ये देखिए, आधा इसमें डाल देंगे, एकदम खोए की शक्ल में आ गया है ये, खोया होता है। अब इसमें हम थोड़ा कलर ऐड करेंगे, आप बिना कलर के बनाने चाहते तो इस तरह से भी बना सकते हैं, बिल्कुल खोए की जैसी बर्फी लगती है ये। अब इसमें थोड़ा हरा कलर ऐड कर रहे हैं, ये देखिए ये खाने वाला कलर है। Thank you.
तरह से चलाएंगे और मिक्स करना है हमें। देखिए कितनी अच्छी हमें कलर बन के तैयार हुआ है। इस तरह हम अपने टिंडे की कलरफुल बर्फी बना सकते हैं, आप सफेद भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़े कलर वाली बना रहे हैं। ये बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब हमारी बिल्कुल जमने के लिए तैयार है बर्फी। अब इसको हम एक मिनट कढ़ाई को एक साइड में रखेंगे। अब हमने दूसरा पार्ट ले लिया है, इसमें हम पीला कलर ऐड करने वाले हैं। ये देखिए इस बर्फी का टेस्ट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार है हमारा बर्फी जमाने के लिए टेस्ट। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमें एक कंटेनर लेना है, अब हम इसको जमाएंगे। हमें इस तरह का कंटेनर लेना है अपनी बर्फी को जमाने के लिए। आप किसी भी थाली या किसी भी चीज में जमा सकते हैं। और इसे भी हम देसी घी लगा लेना है थोड़ा ब्रश से इस तरह साइडों में भी लगा देंगे ताकि हमारी बर्फी आराम से निकल जाएगी। अब हमें इसे जमाना है। चूल्हा की मदद से हमें अपने बर्फी को अच्छे से जमा देना है। देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी बर्फी जमा दी है, कितनी अच्छी वाली बर्फी जमी है। अब इस पे हम क्रीम तैयार करेंगे एक साइड में। हमने अपने दोनों ही बर्फी को जमा दिया है इस तरह से। अब इसे अभी हम गीले में इसको निशान डाल देंगे काटने के। अब इस पे हम अपने ड्राई फ्रूट लगा देंगे, टूटी फूटी काजू पिस्ता बादाम वगैरह आपको जो कुछ पसंद हो आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से जमा दिया है अपनी बर्फी को। अब इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर बाद में हम इसे काटेंगे। आइए फ्रेंड्स देखिए हमारी एक घंटा हो चुका है, हमारी बर्फी अच्छे से जम चुकी है। अब इसे हम काटते हैं। आप इस तरह का कोई भी नाइस या कुछ भी लेकर इसे काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें काटनी है अपनी बर्फी। निकाल लेंगे प्लेट में, बहुत ही अच्छी जमी है हमारी बर्फी। ये देखिए एकदम बाजार जैसी लग रही है बिल्कुल। अब इसे प्लेट पे रखेंगे सभी बर्फियों को। देखा फ्रेंड्स हमने कुछ अपनी बर्फियों पर चांदी के बर्फ लगाए हैं इस तरह से, और कुछ को काजू और पिस्ता से गार्निश किया है। आप भी इस तरह से अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बर्फी बना सकते हैं। ये हेल्दी भी रहती है टिंडे की बर्फी, और कोई बता नहीं सकता कि ये टिंडे की बर्फी है। खाने में तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका, एकदम खोए जैसा।
अगर आप भी ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए यह बर्फी कैसी बन रही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।